पिछली वीडियो में हमने कॉमन नाउन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। कलेक्टिव नाउन, इसकी डेफिनेशन होती है द नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वास्तव में कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को शो करता है, और जो नाउन कलेक्शन को शो करे उसे ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक नोट है, इफ आई ओ एन इज एडेड इट बिकम्स 99% नाउन एंड इफ आई वी ई एडेड इट बिकम्स एडजेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी नेम में आई ओ एन लगा हो, किसी भी नाउन के किसी भी वर्ड के साथ आई ओ एन जुड़ा हो, तो वह 99% नाउन होता है। और उसी प्रकार यदि आई वी ई किसी वर्ड के साथ जुड़ा हो तो वह 99% एडजेक्टिव होता है। आइए देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन के यूज में क्या क्या कॉमन एरर्स हो सकते हैं। कॉमन एरर्स इन यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन। आइए कुछ एग्जांपल से हम कलेक्टिव नाउन के कॉमन एरर के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन द हॉल। सेकंड है, ग्रुप ऑफ बॉयज आर कमिंग इन द हॉल। थर्ड है, ए ग्रुप ऑफ बॉय इज कमिंग इन द हॉल। और फोर्थ है, ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन टू द हॉल। फर्स्ट में देखते हैं कॉमन एरर, ये राइट है रॉन्ग है। ए ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन द हॉल, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि इसमें ग्रुप ऑफ बॉयज तो ठीक है, इज भी ठीक है, कमिंग, लेकिन कभी भी आने के लिए हम इन शब्द का यूज नहीं करते हैं, इन टू शब्द का यूज करते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल हमारा पूर्णतः गलत होगा। सेकंड है, ए ग्रुप ऑफ बॉयज आर कमिंग इन द हॉल। अब यहाँ पे ग्रुप सिंगल दिया हुआ यानी सिंगुलर दिया हुआ और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज है, इसलिए ये भी हमारा गलत होगा। थर्ड एग्जाम्पल, ए ग्रुप ऑफ बॉय इज कमिंग इन द हॉल। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो सही है लेकिन इसके साथ कभी भी कमिंग के लिए हम इनका यूज नहीं करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है, ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन टू द हॉल। अब ये ग्रुप ऑफ बॉयज है और इसके साथ एक ग्रुप के लिए हमने इज का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया, और कमिंग के लिए हमने इन टू का यूज किया, और इन द हॉल इन टू द हॉल है, तो ये एकदम से राइट होगा। अब हम समझ लेते हैं इन और इन टू, इन और इन टू का यूज। तो हम समझते हैं कि इन का यूज कहाँ होता है। तो इन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पोजीशन, यानी किसी भी सेंटेंस में पोजीशन को बताने के लिए इन का यूज हम करते हैं। उसी प्रकार इनटू का यूज, इनटू इज यूज्ड टू टॉक अबाउट डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, यानी यह किसी भी पार्टिकुलर क्षेत्र का डायरेक्शन और उसकी दूरी, दिशा और दूरी बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, ए का यूज होगा इसके साथ और उसके साथ कलेक्टिव वर्ड, उसके बाद ऑफ का यूज, फिर नाउन प्लूरल नाउन का यूज होगा, उसके बाद नाउन के साथ सिंगुलर का भी यूज हो सकता है, सिंगुलर नाउन का भी यूज हो सकता है इसके साथ और
प्लूरल नाउन का भी यूज हो सकता है। आइए कुछ देख लेते हैं कि कलेक्टिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, यानी कुछ हम कलेक्टिव वर्ड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कलेक्टिव वर्ड हैं जिनको हम कलेक्टिव नाउन के रूप में देख सकते हैं या कलेक्टिव नाउन के रूप में समझ सकते हैं। लिस्ट ऑफ कलेक्टिव वर्ड, लिस्ट ऑफ कलेक्टिव वर्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, ए टीम ऑफ प्लेयर, यानी कोई भी कलेक्टिव वर्ड जो होगा उसके साथ ऑफ का यूज जरूर होगा। नंबर सेकंड, ए कमिटी ऑफ मेंबर्स। नंबर थर्ड, ए हर्ड ऑफ कैटल। नंबर फोर, ए बेबी ऑफ गर्ल्स। नंबर फाइव, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। इस प्रकार से हम और सारे कलेक्टिव वर्ब्स देख सकते हैं, ए गैंग्स ऑफ बैंडिट्स एटसेट्रा, और बहुत सारे होते हैं, उनको आप विस्तार से देख सकते हैं। इस प्रकार से हम कलेक्टिव नाउन के बारे में समझ लिया और कलेक्टिव वर्ड्स के बारे में भी जानकारी ले ली। आगे की वीडियो में हम मटेरियल नाउन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।